अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये वीडियो तुम्हें एंटरटेन करेगी तो भाई मैं कह रहा हूँ इसे यहीं छोड़ दे। लेकिन अगर तुम इस मकसद से आए हो कि ये वीडियो तुम्हें मोटिवेट करेगी तो तुम्हारा भाई गारंटी देता है तुम्हें मोटिवेट करने की, बशर्ते इसे पूरी देखना। और फिर भी वीडियो अच्छी ना लगे तो खुले मन से डिसलाइक मारना, लेकिन अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे साथ पता है क्या है? हम लोग पढ़ाई में टॉपर्स तो बनना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को टॉपर्स की पहचान ही नहीं है। नहीं, क्लास या एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स लाया तो बंदा टॉपर्स? अरे नहीं यार, जब तुम स्कूल या कॉलेज से पास आउट होने के 3-4 साल बाद अपने दोस्तों से मिलोगे तब तुम्हें हैरानी होगी। जिसे हम असल में टॉपर समझते थे वो तो बस एक ऑर्डिनरी बंदा निकला, और जिस बंदे पर साला किसी ने ध्यान ही नहीं दिया वो बंदा झंडे गाड़ के बैठा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा मार्क्स लाने वालों को टॉपर समझने की गलत सोच बना रखी है। अब मुझे ये बताओ, लास्ट बेंच पर बैठने वाला बंदा जो एवरेज नंबरों से पास होता है लेकिन किताबों से समझता है, रट्टा मारने की बजाय भले ही उसके आंसर शीट में लिखे हुए आंसर्स किताबों के आंसर से डिट्टो मैच नहीं होते मगर मीनिंग सेम है, तो क्या वो बंदा टॉपर्स नहीं बन सकता? पता है हमारी एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? यहाँ केस स्टडी नहीं होती, सिर्फ डेफिनेशंस को याद करो। थ्योरी थ्योरी थ्योरी, हमें रोबोट्स बनाया जा रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाथ जलता है, क्यों जलता है? क्योंकि किताबों में ऐसा लिखा है। सर किताबों में ऐसा किस बेस पर लिखा है? अब तुम टीचर से जुबान चलाओगे? 50 पट्टू स्टूडेंट्स में से एक हिम्मत करके पूछे तो उसे जुबान चलाने के जुर्म में डांट कर बैठा दिया जाता है। बाकी बच्चे की क्यूरियोसिटी और कॉन्फिडेंस का क्या? खत्म, दी एंड। और एक फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट से आंसर पूछने पर उसका डिट्टो सेम किताब वाला आंसर देने पर उसे शाबाशी दी जाती है। क्यों, कब, कैसे पूछने वाले को तो लोग बस फुद्दू या डम्ब ही समझते हैं। पर मैं कह रहा हूँ तुम किसी के फुद्दू समझने से क्यों, कब, कैसे सवाल पूछना बंद मत करना, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही तुम्हें कामयाबी तक ले जाएंगे। और मैं अपनी हर स्टडी मोटिवेशनल वीडियो में कहता हूँ, क्लास या कॉलेज के मार्क्स से तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं होगा। बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है भाई, वहाँ तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारा अनुभव जज करेंगे। क्या खूब कहा है किसी ने, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर। और एक बात भाई, इंटेलिजेंट बंदा वो होता है जिसका आईक्यू ज्यादा होता है और जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। क्लास में फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट से ज्यादा आईक्यू एवरेज स्टूडेंट्स का होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम क्लास में फर्स्ट आना जानबूझकर छोड़ दो। अरे जो पढ़ रहे हो उसे समझो और फिर एग्जाम में जितना समझ में आया उसे लिखो। फर्स्ट आना या सिर्फ पास होना ये नियति पे छोड़ दो। मेरा यकीन मानो, ज्यादा शीट भरने से ये बिल्कुल साबित नहीं होता कि वो बंदा इंटेलिजेंट है। जो कम शब्दों में सही बात लिखता है वो होता है इंटेलिजेंट। पढ़ाई का असली मतलब क्या होता है? लर्निंग। वो लर्निंग जो सिखाए कहीं से भी, सिर्फ किताबों से जरूरी नहीं। शायद यही कारण था कि बिल गेट्स और एलोन मस्क जैसे ड्रॉप आउट आज सक्सेस है, क्योंकि उन्होंने कॉलेज छोड़ा, पढ़ाई नहीं। अरे जितनी हमारी अब तक की किताबें नहीं होंगी उनसे बड़ी तो उनकी लाइब्रेरी होती है। विंडो कंपनी का सीईओ सत्यम नडेला महीने में 10-12 दिन तो अपनी लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते जमीन पर सो जाता है, और हम सोचते हैं ये लोग अपनी लग्जरी कमरे में एसी चलाकर आराम से सोते होंगे। एक बात बोलूं, भले ही सुनने में थोड़ी कड़वी लगे पर याद रखना, आज अमीर और अमीर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनकी किस्मत के ताले खुल गए या फिर उन पर लक्ष्मी मेहरबान है। वो अमीर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो अपने काम की स्पीड दुगनी करते जा रहे हैं, और हम गरीब लोग टूट कर बिखरे हुए हैं। अमीर वर्सेस गरीब के अंतर में बहुत जल्दी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के अंत में बस इतना ही कहूंगा, जब जब तुम पढ़ने की सोचोगे तुम्हें हर बार अपने मन पर बेरहमी से अत्याचार करना होगा, क्योंकि इतिहास साक्षी है, पढ़ाई और मन की एक साथ आपस में कभी नहीं बनी। तुम्हें इनमें से किसी एक को चुनना होता है। यही चुनाव हमें टॉपर्स और फेलियर्स बनाते हैं, और जबकि हम ये अच्छे से जानते हैं कि इन दोनों में से कौन सी चीज हमारे लिए फायदेमंद है। पर मन पे काबू पाना इतना आसान है क्या? लेकिन एक तरीका है जब तुम मन को साथ रखकर पढ़ाई कर सकते हो, अगर तुम्हें पढ़ाई से प्यार हो जाए तब। वरना तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि जब रात को तुम फेसबुक और व्हाट्सएप मन लगाकर चला रहे होते हो तब तुम्हारा ही कोई दोस्त किताबों में मन लगाकर पढ़ रहा होता है। इसलिए जब तक तुम पढ़ाई को एक जिम्मेदारी समझते रहोगे तब तक तुम कुछ बड़ा नहीं उखाड़ सकते। लेकिन जिस दिन तुमने पढ़ाई को अपना मनोरंजन का हिस्सा मान लिया उस दिन तुम ऑर्डिनरी स्टूडेंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बन जाओगे। लेकिन इस बात का रिजल्ट कॉलेज या स्कूल के रिजल्ट से मेजर मत करना, क्योंकि तुम उस एक बंदे में से होंगे जिसे 4 साल बाद जब तुम्हारे दोस्त सक्सेस होता देख यही कहेंगे, हम जिसे क्लास में टॉपर समझते थे वो तो ऑर्डिनरी निकली, और तुझ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो झंडे गाड़ के बैठा हुआ है। वीडियो अच्छी